बाल वाटिका में रुके हुए हैं, वहां पर किसी ने पत्र कल काउंटर पर दिया होगा, वो पत्र हमने पढ़ा। उस पत्र में लिखा था, उस पत्र में था कि मेरे पोते के दिल में छेद है, वो 9 साल का हुआ, और वो 9 साल का बेटा है, उसके दिल में छेद है। पत्र हम जहां रुके हैं अग्रवाल वाटिका में, वहां रखा है। और मेरा पोता 9 साल का, उसके बेटा है, उसका पोता नहीं बेटा, उसके हृदय में छेद। बहुत गरीब हैं हम। मैं दूसरे के यहां पर बर्तन मांजती हूं और बर्तन मांजने का कार्य करती हूं। डॉक्टर ने बेटे के ऑपरेशन का बोला है और ऑपरेशन कराने का कहा। यहीं कहीं मथुरा के आसपास की हैं वो। जब बेटे के ऑपरेशन का कहा, लड़का एक ही है, हृदय में छेद है, ऑपरेशन कराऊं तो कैसे कराऊं, धन भी इतना नहीं। और डॉक्टर कहता है कि ऑपरेशन होने पर इसका क्या होगा, हम नहीं कर सकते, कई बार छोटा बच्चा है, कोमा में ना जाए या वेंटिलेटर पर ना पड़ा रहे, इतना धन तुम्हारे पास में नहीं है, इतना धन नहीं है, इतना पैसा नहीं। तब किसी जगह पर जब वो बर्तन मांजने के लिए गई और वहां टीवी पर कथा सुन रही थी, और वो सेठानी के साथ में जमीन पर बैठकर कथा सुनने बैठ गई, और कथा में उसने पीपल के पत्ते का उपाय श्रवण कर लिया। उस दिन वो उसको उपाय भी मिल गया कि पीपल के पत्ते का अग्रभाग का सेवन वो उसने सुन लिया, सुख सुंदरी का स्मरण कर कर, और उसने अपने बच्चे को कराना प्रारंभ करा। फिर उसने वापिस सरकारी हॉस्पिटल में जांच कराई तो उसका बच्चे का जो हृदय का छेद था वो बाबा की कृपा से भर चुका था। उसने रवे का हलवा एक स्टील की कटोरी में प्लेट से ढका हुआ, उस पे सेलो टेप चिपका हुआ भेजा था। तो जो कहीं बैठी हो तो उसके स्मरण में रहे, वो ठाकुर जी ने भोग लगा लिया है और बाबा ने पाया। उसने पत्र में लिखा, गुरुदेव मैंने अपनी सेठानी जी से छुट्टी मांग ली है इस कथा के लिए, और मेरे पास इतना धन नहीं है, तो मैंने सेठानी जी से अपनी 1 महीने की तनख्वाह 800 रुपए उनसे ले लिए हैं। 800 रुपए मैंने तनख्वाह ली तो सेठानी ने पूछा, ये तनख्वाह का क्या करेगी इतनी जल्दी, अभी तो दिवाली भी नहीं आई। कहा, बोले बाबा आ रहे हैं हमारे कोसी में, तो मैं छोटा सा भंडारा, 800 रुपए में भंडारा होता है, 800 रुपए में कोई भंडारा होगा, 800 रुपए का मैं तेल भी लाई, आटा भी लाई, और गुरुदेव मैं 3 किलो आटे की पूड़ी बनाकर लाकर मैंने बहुत सारे लोगों को खिलाया, क्योंकि मेरा बेटा ठीक है। मेरी जीजियों, बहुत करोड़पति बन जाओगे, धन तो बहुत हो जाएगा, पर मन कहां से लाओगे? ये जो मन है ना, ये बड़ी मुश्किल से मिलता, बड़ी मुश्किल। ये कोसी की कथा में